पे ध्यान देंगे। सबसे पहले अपने छोटों की तालीम पे ध्यान देना है। मदरसे हमारे खाली हो चुके हैं, स्कूल की तरफ हमारा रुझान है। उर्दू हमारे बच्चे जानते नहीं, मरीजों में बैठते नहीं, इसलिए हम लोग डांस नहीं लेंगे। लेकिन अपने बच्चों की तालीम पे ध्यान जरूर देंगे और खास तौर से उर्दू और कुरान शरीफ उन्हें जरूर पढ़ाएंगे। हमारी नौजवान नस्ल कम से कम 70% ऐसी है जो कुरान शरीफ नहीं पढ़ेंगे। 70% हमारी नौजवान कुरान पढ़े नहीं है, तो ये जरूरी है, इसलिए तो ध्यान दीजिए। अभी वक्त खास से मिला नहीं है, अभी हाथ में है, अभी आप हो सकती है, आपको अपनी बस्ती की तस्वीर बदली भी नजर आएगी। कोई बच्चा ऐसा नहीं नजर आएगा जो उर्दू ना पढ़े, कोई बच्चा ऐसा नजर नहीं आएगा जिसे दीनी मालूम न होगी, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कुरान ना पढ़ेगा। तो ये हम तय कर लें कि तीन की अनुमति कम से कम मिलकर एक मदरसा चला सकते। मदरसे खुले हुए हैं, जगह जगह खुले हुए हैं, मदरसे सिर्फ नाम लेने की जरूरत है पूरी थी। 15-15, 20-20 बच्चे मदरसे में बैठे हुए देखे मैंने, जो मदरसे हमारे टाइम में भरे लगे थे, 200-200, 400-400 बच्चे मदरसे में होते थे, आज की डेट में हमें 15 बच्चे बैठे हुए हैं ऐसे। तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है और ये हमें सोचना चाहिए कि हम तालीम की तरफ से अपना ध्यान हटा के पता नहीं किसकी तरफ से हमने अपना ध्यान हटा के मोबाइल आ गया है, जिससे सबसे बड़ा नौजवानों को बर्बादी के रास्ते से ले जा रहा है मोबाइल। बहुत अच्छी चीज़ है, मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन इसका इस्तेमाल इस तरीके से करें कि वो हमारे जरूरियात की चीज़ों में दखल अंदाजी ना करें, हमारी बातचीत में दखल अंदाजी ना करें, हमारे दिन में हमारी तालीमत में वो रुकावट ना बने। ये कोशिश हमें सबसे पहले करनी है कि वादा करना है तब तो शक्तिदारी से फायदा है, वरना हमारे अंदर की बुराई वैसी की वैसी रहे और हम शक्तिदारियाँ भी करते रहें, गुरू भी करते रहें, मरीजें भी करते रहें, लड़ाई भी करते रहें, तो क्या फायदा है। हर साल प्रॉब्लम इसलिए आता है कि हमारे अंदर कोई ना कोई बदलाव पैदा हो। अगर हर साल प्रॉब्लम में हमने एक बुराई छोड़ दी तो इंशाल्लाह 2-4 साल में आप बिल्कुल काबू पाकिदा हो जाएंगे। और सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि मौला का करम है, आप लोगों को आजाद बनाया है हुसैन ने अपना, तो कुछ सोच के बनाया है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। आज जो भी मेरी गुजारिश है बनाए करम किसी फितना और फसाद में न पड़े, बिल्कुल हर साल नया नया फितना और कोई ना कोई फितना खड़ा हो जाता है, उनसे अपने आप को बचाना है, अपनी बच्ची को बचाना है, अगले एक साल में इंशाल्लाह जब यहाँ ये जिम्मेदारी दोबारा होगी तो उसका नतीजा थोड़ा बहुत तो सामने आना ही चाहिए। कहीं ये पता चले कि हाँ मदरसा खुल गया है, बच्चों की तादाद बढ़ गई, तो लगेगा कि हाँ हमारा तमाम हमारा जो बात कही थी नौजवानों ने मान ली और बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर किया।
सलाम अली मोमिन।
ये सबसे पहले तो मर्जिया खान का साहब के साइड में